नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र यादव, आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ चने में रोगों और कीटों का बचाव किस प्रकार करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उकठा रोग की। उकठा रोग का नियंत्रण किस प्रकार करें। शुरू में पौधे की ऊपरी पत्तियां वो मुरझा जाती है और उसके बाद यहाँ धीरे धीरे पूरा पौधा सूखकर मर जाता है। यदि आप जड़ के पास तने को चीरकर देखेंगे तो उसके बीच में एक काले रंग की लाइन दिखाई देगी, जिसे पता चल जाता है कि यह उकठा रोग है। और इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 2 ml प्रति लीटर की दर से जड़ों के पास डालनी चाहिए। और इसका जैविक नियंत्रण करने के लिए माइकोराइजा 4 किलो प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करना चाहिए, जिससे इस रोग का नियंत्रण हो सके। तो बात करते हैं हम दूसरे रोग की, जिसका नाम है एस्कोकाइट ब्लाइट रोग। इस रोग के लक्षण हमें फरवरी मार्च में दिखाई देंगे और इस रोग से प्रभावित पौधे में हमें गोल व भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। और इस रोग का हम नियंत्रण किस प्रकार करें। नियंत्रण करने के लिए मेनकोजेम 2 ग्राम या कोप्रोक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। तो बात करते हैं अगले रोग की, जिसका नाम है जड़ गलन रोग। इस रोग में खड़ी फसल में स्वस्थ पौधों के बीच संक्रमित पौधे सूखकर मर जाते हैं। और यदि कोई पौधा उखाड़ेंगे तो हम वह आसानी से उखड़ जाएगा और इसकी जड़ हमें काले रंग की नज़र आएगी। तो बात करते हैं इसके नियंत्रण के लिए। नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले इसका जैविक नियंत्रण करना चाहिए। जैविक नियंत्रण के लिए 1 किलो ट्राइकोडर्मा वीडी 20 किलो गोबर की खाद मिलाकर सिंचाई से पहले भुरकाव करना चाहिए। और इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 200 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर पौधों की जड़ों में डालना चाहिए। अब हम जानेंगे चने के रस्ट रोग के बारे में, जिसे आम भाषा में रतुआ रोग भी बोल देते हैं। ये रोग फरवरी के अंत में होता है। इसमें अंडे के समान भूरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं और थोड़े दिन बाद में पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इसके नियंत्रण करने के लिए 3 ग्राम मेनकोजेम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो फिर 10 दिन बाद में इसका दोबारा से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं अगले रोग की, जिसका नाम है तना सड़न रोग। इस रोग में सबसे पहले लंबे धब्बे तने पर दिखाई देते हैं, जिन पर कवक जाल के रूप में दिखाई देती है और जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हैं। ये रोग ज़्यादा होने पर पौधा सूख जाता है और इसके कारण तना भी फट जाता है। इसके नियंत्रण करने के लिए कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर 2 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करना चाहिए और जो भी पौधा रोगी हो उसे उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब हम जानेंगे चने के कीटों के बारे में। चने में कौन कौन से कीट लगते हैं और ये किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कटवर्म की। यह गहरे भूरे रंग की गडारें होती हैं जो ढेलों के नीचे छिपी रहती है और रात के समय निकलती है और भूमि के पास से तने को काट देती है। और इसके नियंत्रण करने के लिए क्लोरोपाइरीफोस का 0.5% का घोल बनाकर जड़ों के पास छिड़काव करना चाहिए। और इसके नियंत्रण करने के लिए मोनोक्रोटोपास 50 से 60 ml 15 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसका नियंत्रण हम पक्षियों द्वारा भी किया कर सकते हैं। पक्षियों द्वारा नियंत्रण करने के लिए पक्षियों के बैठने के स्थान 50 से 60 एक हेक्टर में बनाने चाहिए। तो बात करते हैं अब दूसरे कीट की, जिसका नाम है फली बेधक। ये कीट पहले पत्तियों को खाता है और उसके बाद में फली आने पर फली को खाकर भी नष्ट कर देता है। इस कीट को चने की इल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसके जैविक नियंत्रण के लिए नीम के तेल को 20 ml 1 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। और इसके अलावा हम NPV का छिड़काव 15 से 20 दिन के अंतराल में 3 बार भी कर सकते हैं। और इसके रासायनिक नियंत्रण करने के लिए मेलाथियान 1 ml 1 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं दीमक के नियंत्रण की। दीमक के नियंत्रण करने के लिए फोरेट 10G का 10 किलो प्रति हेक्टर की दर से डालना चाहिए। और किसान भाइयों, इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जब भी हम सिंचाई करें तो एक सिंचाई फूल आने से पहले करें और एक सिंचाई फली बनते समय करें। यदि आप फूल आते समय ही सिंचाई कर देंगे तो आपको लाभ की जगह हानि हो जाएगी, इसलिए हमें फूल आने से पहले सिंचाई करनी चाहिए।
तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपका कोई कमेंट या सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी किसी भी फसल में कोई भी समस्या तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे फेसबुक आईडी से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसे आप जाके ज्वाइन करें। तो थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए।